हेलो फ्रेंड्स, सारा कुकर्स में मैं शबाना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही टेस्टी पिंक सॉस पास्ता बनाएंगे जो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम यहाँ पर पिंक सॉस मैक्रोनी पास्ता बना रहे हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 8 कप जितना पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। अभी मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और 1 टीस्पून जितना तेल भी इसमें डाल दूंगी। और इसमें एक उबाल आने देंगे, उसके बाद हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। तो ये देखिए, ये पानी में बॉईल आना शुरू हो गया है। अभी मैं इसमें यहाँ पर मेरे पास छोटी साइज का मैकरोनी पास्ता है, ये बहुत ही जल्दी पक कर तैयार हो जाता है, इसे मैं इसमें डाल देती हूँ। अभी मैं इसे दूसरी गैस पर शिफ्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर हम इसके लिए पिंक सॉस तैयार करके ले लेंगे। इसे मैं बीच बीच में स्टर करते हुए पकाती रहूँगी दूसरी साइड में। तो देखिए, यहाँ पर हमें पिंक सॉस बना कर ले रहे हैं। उसके लिए मैंने इस पैन में 2 टीस्पून जितना तेल गरम होने के लिए रख दिया है। अभी मैं इसमें यहाँ पर ये बटर डाल रही हूँ, गार्लिक फ्लेवर वाला बटर है ये, इसे मैं इसमें डाल देती हूँ। बटर को थोड़ा पिघलने देंगे। यहाँ पर मैंने तेल और बटर को मिक्स किया है ताकि ये बटर जले नहीं। ये बटर मेल्ट हो चुका है। अभी मैं इसमें यहाँ पर है मेरे पास 2 से 3 लहसुन की कलियों को बारीक चॉप करके रखा है, इसे मैं इसमें डाल देती हूँ। 1-1/2 मिनट के लिए भून लेंगे इसे भी। इसे मैंने 1 मिनट तक भून लिया है। अभी मैं इसमें ये मीडियम साइज की प्याज है मेरे पास बारीक कटी हुई, इसे मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे भी हम भून लेंगे अच्छे से 1-2 मिनट के लिए। इस प्याज को मैंने 1-2 मिनट तक भून लिया है। अभी ये मेरे पास 2 बड़े साइज के टमाटर को मैंने प्यूरे करके लिया है, इसे इसमें डाल देती हूँ और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे तेल में। अभी हम इस टमाटर को अच्छे से तेल छोड़ने तक पका कर ले लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने टमाटर को अच्छे से तेल छोड़ने तक पका लिया है। अभी मैं इसमें ये टमाटो सॉस डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून जितना। अभी मैं इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून ए लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून पिज्जा सीजनिंग, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स डालना ऑप्शनल है। अच्छे से मिला लेंगे इन सारी चीजों को, पका लेंगे 1-1/2 मिनट के लिए। अभी मैं इसमें 1/2 कप फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ, अच्छे से मिला लूंगी इसे भी। और 1/2 कप जितना दूध भी इसमें डाल रही हूँ, अच्छे से मिला लेंगे इन सारी चीजों को, पकने देंगे 1-1/2 मिनट के लिए। अभी मैं इसमें एक चीज क्यूब ग्रेट कर रही हूँ, अच्छे से मिला लेती हूँ इसे भी। अभी मैं इसमें 1 टीस्पून चीनी डाल रही हूँ, एक खटास को बैलेंस करने के लिए डाल रही हूँ मैं, पर चीनी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अभी मैं इसमें जो पास्ता हमने साइड में बॉईल करने के लिए रख दिया था उसे मैं इसमें डाल देती हूँ। डायरेक्टली उसमें से निकाल कर इस पैन में डाल रही हूँ मैं, अच्छे से मिला लेती हूँ। आज का ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा बहुत ही टेस्टी पिंक सॉस पास्ता बनके तैयार है। अभी मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी।
से मैं इस बाउल में निकाल रही हूँ। अभी आप मेरे सारे वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हो, वहाँ पर मैंने सारा कुकाउस के नाम से पेज बनाया है, तो उसे भी प्लीज लाइक कर दीजिए। तो देखिए, इसे बाउल में निकालने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा चीज, चिली फ्लेक्स और पिज्जा सीजनिंग से गार्निश किया है। ये तैयार है। तो हमारा ये बहुत ही टेस्टी पिंक सॉस मैकरोनी पास्ता बनके तैयार है, तो आप भी इसे जरूर बनाइए। और ज्यादा रेसिपीज देखने के लिए आप चेक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट www.sarakukhaus.com। और अभी आप हफ्ते में दो दिन मतलब थर्सडे और फ्राइडे दो रेसिपीज देख पाएंगे। अगली बार फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।